Hello everyone, welcome to ATP Academy. कैसे हो guys? I hope all of you are doing really well. So guys, last lecture में हमने देखा था SN2 की कई सारी interesting reaction, जैसे कि हमने देखा था Finkelstein reaction क्या होती है, उसकी properties हमने जानी थी, कुछ questions हमने किए थे, उसके अलावा हमने Schwartz reaction के बारे में बात की थी, और उसके अलावा हमने rate of SN2 कैसे compare करते हैं, इस बारे में हम लोगों ने बात की थी. सही है, तो आज के lecture में girls and boys, आज हमारा फोकस होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में. द रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस. विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें ईथर प्रिपेयर होता है. कैसे प्रिपेयर होता है, समझ रहे हो, यील्ड अच्छी कब आती है, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड इस रिएक्शन में होता क्या है. तो देखिए, इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले ये जो आर ओ एन ए आपको दिखाई दे रहा है, ये आर ओ एन ए होता है एल्कोक्साइड आयन. इट इज एल्कोक्साइड आयन. और ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है, ये एल्कोक्साइड आयन बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. ओ पे माइनस होता है, एन ए पे क्या होता है, प्लस होता है. यहां पे ये रिएक्ट करता है किससे, एल्काइल हैलाइड के साथ. एल्काइल हैलाइड क्या करता है, एल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम देखें तो x के ऊपर पार्शियल नेगेटिव हमेशा की तरह और r डैश के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट करेगा, जिससे o में और r के बीच में बॉन्ड बनेगा, r डैश के बीच में कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा. और जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है. तो यहां पे आप ये पुराना बॉन्ड तोड़ दोगे, जैसे ये टूटेगा यहां पे R O R डैश बन जाएगा, दैट इज R ईथर. ये हमारा ईथर है. तो भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद द सबस्ट्रेट नोन एज एल्काइल हैलाइड. दे कंबाइन टू गिव ईथर. यहां पे एज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होने की वजह से द मैकेनिज्म विच इज फेवरेबल हेयर इज SN2 यहां फेवरेबल होता है. सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और SN2 की डिटेल्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं. सही है, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहां पे एग्जांपल से पहले चलो पहले एग्जांपल ही कर लेते हैं. जैसे कि हमारे पास यहां पे है CH3ONa और प्लस यहां पे हमारे पास है CH3I. अब देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा. ये बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, ठीक है ना. यहां पे CH3O- है, यहां पे Na पे प्लस है, यहां पे कार्बन पे डेल्टा प्लस है, I पे डेल्टा माइनस है. अब वही पुरानी कहानी तो चलती रहेगी हमेशा, माइनस प्लस वाली. यहां पे माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा. अभी टूटते ही यहां पे बन जाएगा CH3O CH3. सही है, अब ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है डाइमिथाइल ईथर. दिस इज डाइमिथाइल ईथर. डन, क्लियर है. अब देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइप ऑफ एल्कोक्साइड आयन. एल्कोक्साइड आयन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो यहां पे अगर टाइप ऑफ एल्कोक्साइड आयन हम देखते हैं, तो टाइप ऑफ एल्कोक्साइड आयन अगर हम देखेंगे तो यहां पे क्या क्या हो सकता है. यहां पे दिस विल बी MeO माइनस Na प्लस, ये हो सकता है. या हमारे पास हो सकता है ETO माइनस, उसके अलावा क्या हो सकता है, Na प्लस हो सकता है. या इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, या हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है. अब पहले वाला जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला पर्टिकुलर एनायन, ठीक है ना, यहां पे इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड आयन. इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड आयन, क्योंकि यहां पे मिथॉक्साइड क्यों आया गर्ल्स एंड बॉयज, यहां मिथाइल है, यहां ऑक्सीजन है, तो मिथॉक्साइड ही बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे, है ना. यहां पे दिस इज नोन एज इथॉक्साइड और सिंपल ईटीओ माइनस, तो इसको बोलते ही है, ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों के अंदर, तो यहां पे दिस इज आइसोप्रोपोक्साइड, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपोक्साइड. और यह इसको लिखते किस तरीके से हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं आई पी आर ओ माइनस, है ना. तो यहां पे एक्चुअली ऐसा लगता है कि आई जो है वो ओ माइनस को प्रपोज कर रहा है, आई पी आर ओ माइनस. लेकिन असल में यहां पे पी आर जो है वो क्या है, वो है प्रोपाइल. आइसो क्यों है, ये ग्रुप में एक कार्बन पे दो मिथाइल है, तो इसको बोलेंगे आइसो
ग्रुप, गॉट इट। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो होता है इसका पूरा नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड बोलते हैं इसको। और इसका सिंबल जो होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको ये बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं स्मॉल टी बी यू ओ माइनस और साथ में के प्लस या एन ए प्लस जो भी साथ में है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे स्मॉल टी का मतलब क्या है, टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी होता है, ठीक है। और उसके बाद बी यू, ये जो बू है ये क्या है, ब्यूटाइल है, ये बगावत की बू नहीं है, ये ब्यूटाइल है। और यहाँ पे ओ माइनस है, ठीक है ना, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये यहाँ पे हो जाएगा, गॉट इट। तो अगर हम इनमें बात करें तो इसमें ये जो बल्कि आपको दिखाई दे रहे ना, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जैसे टी बी ओ माइनस, इट विल नॉर्मली एक्ट एज अ बेस, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करना पसंद करेगा, क्यों, बिकॉज इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एमईओ माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ईटीओ माइनस भी डिसेंट है, पर जितना बल्किनेस होती जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छी यील्ड के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी यील्ड के लिए जितना हल्का फुल्का होगा ये उतनी यील्ड अच्छी आएगी। और जो एल्काइल हैलाइड है आप जानते हो 1 डिग्री के अंदर एस एन टू मोस्ट फेवरेबल रहता है, यानी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में यील्ड जो आएगी बताओ भी कैसी होगी, वो यील्ड एक्सेलेंट होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, बिल्कुल होगी, यील्ड विल बी एक्सेलेंट, क्योंकि दोनों की दोनों देखो आप, न्यूक्लियोफाइल भी हमारा स्ट्रांग है, पावरफुल है, स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, और यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, क्लियर है। चलिए अब मैं आपके सामने दो पर्टिकुलर तरीके बताता हूं, एक ही तरह का ईथर है तो उसको बनाने के दो तरीके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं यहां पे आपकी खिदमत में। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, ठीक है, और यहां पे अगर मैं देखता हूं तो गर्ल्स एंड बॉयज एज वेल एज अदर्स, ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये O- है, O- इधर अटैक करेगा और किसको निकाल लेगा, I, I को निकाल लेगा, ठीक है ना। तो यहां पे what will be formed, this will be formed, ये यहां पे बन जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे O- फिर से इधर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और I को निकालेगा, एंड इन दैट सिनेरियो एज वेल ये बनेगा, एक्चुअली दोनों के दोनों जो ईथर्स हैं वो क्या है, सेम है। अब नाउ द पॉइंट इज, इस मैथड को मान लेते हैं मैथड ए और इसको मान लेते हैं मैथड बी, आप बताओ मैथड ए एंड मैथड बी में विच इज मोर फेवरेबल, कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा, विच मैथड इज मोर फेवरेबल, बोलो ए और बी विच इज मोर फेवरेबल, पता है कौन सा ज्यादा फेवरेबल है, इसमें ज्यादा फेवरेबल होता है बॉम्बे, बी इज मोर फेवरेबल। देखो अगर हमें चूज करना है, देखो इन दोनों में एक एक नुकसान है, यहां नुकसान क्या हो रहा है इस वाले केस में, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बल्कि है, और यहां वाले केस में जो एल्काइल हैलाइड है वो बल्कि है। तो अगर दोनों में से एक चीज को चूज करना है, दोनों ही हल्के रहे तो बेस्ट है, जैसे ये सिनेरियो तो बेस्ट था, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इस वाले केस में एल्काइल हैलाइड लेस हिंडर्ड है, यानी इन केस ऑफ चॉइस वी हैव टू कंसिडर alkyl halide, alkyl halide must be less hindered as compared to what, ये इसके preference में, ठीक है ना, दोनों ही हल्के रहे तो best होता है, उससे तो yield अच्छी आती है। तो कभी-कभी आपको ethers दे सकता है, वो क्या दे सकता है, ethers दे सकता है, और ethers में आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कि भाई which of the following ether can be prepared in good yield, कौन से ईथर को ज्यादा अच्छी यील्ड में बनाया जा सकता है। जैसे अगर ऊपर वाले और नीचे वाले ईथर की बात करूं तो ज्यादा अच्छी यील्ड में किसको बनाया जा सकता है, ऑब्वियसली ऊपर वाले को ज्यादा बेटर यील्ड में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और इंटरेस्टिंग बातें हम इसमें जानते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे देर आर सर्टेन टाइप ऑफ ईथर्स विच कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से उनको बनाया जाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें PHOPH, यानी मान लीजिए इधर भी बेंजीन है और इधर भी बेंजीन है, तो दिस टाइप ऑफ ईथर कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय WES, शॉर्ट में इस रिएक्शन को बोल सकते हैं हम WES। तो अब जैसे ये है, इसको हम क्यों नहीं बना सकते, वाई इट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, तो देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। देखो रिवर्स में जाओ, किसी भी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को हाइपोथेटिकली ब्रेक कर दो,
ब्रेक करके हमारे पास एल्काइल हैलाइड या तो इधर होना चाहिए लेफ्ट में और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइड आने जाएगा। ये जो एल्कोक्साइड आयन होता है फिनाइल के साथ, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज? फिनोक्साइड आयन। यहां पे अगर हम देखें तो ये जो कार्बन एटम है इस पे अटैक होगा कि नहीं होगा? इस पे अटैक होना फिजिबल नहीं है। मैंने बताया था ये SN2 रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उसके अलावा जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी इसको रिपेल करता है, जिस कारण क्या होता है यहां पे रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। तो ये जो ईथर, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत बहुत जरूरी है कि कौन से बन सकते हैं कौन से नहीं बन सकते। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए है कुछ ऐसा, यहां पे है बेंजीन, वी हैव बेंजीन एंड ओ सी एच टू बेंजीन। अब ये बताइए ये बना सकते हैं क्या हम लोग? कैन दिस बी प्रिपेयर्ड? अगर ये बना सकते हैं तो इसके लिए सूटेबल रिएजेंट्स बताओ। ठीक है, तो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई दिस राइट नाउ। साथ साथ काम करोगे तभी काम चलेगा, याद रखना। ठीक है ना, सिर्फ वीडियो को देखने से सिलेक्शन रैंक नहीं आती है। गॉट इट? ओके गाइज, तो देखिए यहां पे इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इसको बना सकते हैं। अब देखो वो हेलोजन किधर लगाना है ये सोचने वाली बात है। रिवर्स में जाने के लिए अपने को चुनना है, क्या चुनना है? एक तरफ तो एल्कोक्साइड आयन होगा और एक तरफ क्या होगा हमारे पास, एल्काइल हैलाइड होगा। तो अगर हम डेप्थ में जाएं तो हमें दिख जाएगा कि यार एल्काइल हैलाइड तो मैं यहीं पे लगा सकता हूं, हेलोजन में यहां लगा सकता हूं और नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, क्योंकि अगर मैंने हेलोजन को डायरेक्टली बेंजीन से लगा दिया तो फिर से पुराने वाली इशू आएगा। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा पीएचओ माइनस और इधर हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड। अब बेंजाइल हैलाइड पे एसएन2 रिएक्शन ये आसानी से कर सकता है। ओके गाइस, सो दिस कैन बी प्रिपेयर्ड, इसको बनाया जा सकता है। गॉट इट? चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमको ये प्रिपेयर करना है, वी हैव टू प्रिपेयर दिस वन। ठीक है, मान लीजिए हमें ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए आपको सूटेबल कॉम्बिनेशन बताना है। बन तो जाएगा ही, पर व्हाट इज द सूटेबल कॉम्बिनेशन हियर? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, व्हाट इज द सूटेबल कॉम्बिनेशन हियर, थिंक अबाउट इट। ओके गाइज, चलिए मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इसको सही से जरूर किया होगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एल्काइल हैलाइड के बारे में सोचो, वो यहां आएगा बिकॉज इट मस्ट बी लेस हिंडर्ड। अगर वो वहां चला गया, यानी जहां पे ये टर्शरी बिटोक्साइड है, अगर यहां की बजाय यहां पे एल्काइल हैलाइड हुआ तो 3 डिग्री में आप समझ सकते हो, 3 डिग्री में जो ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती, रिएक्शन ही नहीं होने वाली, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ओके गाइज, चलिए अब मैं एक बात आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, वो पॉइंट क्या था? हाँ, जैसे कि मान लीजिए इधर बेंजीन है और इधर कुछ इस तरह का ब्रिज्ड कंपाउंड है, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये बताइए क्या इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हैं? कैन दिस बी प्रिपेयर्ड यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस? वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। ओके गाइज, सो आई होप आपने इसको सही से ट्राई जरूर किया होगा। देखो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर इधर आप हेलोजन को लगाओगे तो वही पुरानी वाली दिक्कत आएगी, और अगर आप इधर हेलोजन को लगाओगे तो क्या होगा, ब्रेडसूल वॉयलेट हो जाएगा। कब वॉयलेट हो जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ब्रेडसूल वॉयलेट हो जाएगा, समझ लो ना। ब्रिजेड एटम पे अगर हेलोजन होगा तो वहां पे SN2 रिएक्शन फेवरेबल नहीं होता। ओके गाइज, सो गाइज आज के लेक्चर में हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में जाना, उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी, यील्ड कब अच्छी आती है, कब क्या होता है। सो गाइज अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये लाइक तो ऑब्वियसली बनता है, और अगर आपने अब तक गाइज ATP Academy को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन जल्दी से दबाएं, क्योंकि इससे हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है गाइज। ओके देन, सी यू द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।